तो एक लड़की ने कुछ खड़े होकर जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ तो ये कहा कि मैं समझ में नहीं आता, मेरे ये पर्दे का जो सिस्टम है मुझे तो ये बहुत ही गलत सिस्टम लगता है। यू पीपल कन्फाइन द 50% पॉपुलेशन बिहाइंड द वॉल्स एंड बिहाइंड द व्हील। आप 50% आबादी को दीवार के अंदर कैद कर देते हैं और नकाब के पीछे छुपा देते हैं, ये क्या तरीका है? इससे पहले कि मैं जवाब देता, मैं बड़ा खुश हुआ ये सवाल सुनकर, लेकिन इससे पहले कि मैं जवाब देता, एक मलेशियन लड़की ने हाथ उठाया और उसने मुझसे कहा कि मिस्टर नोमानी प्लीज कैन यू अलाउ मी टू आंसर दिस क्वेश्चन, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मैंने कहा जरूर, प्लीज कम ऑन। वो लड़की आई है, उसने आकर स्टेज से, मलेशिया की लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं शराब पीती थी, क्लब में जाती थी, तमाम गलत काम करती थी, पर्दे को तो से नफरत करती थी, लेकिन हॉस्टल में मेरी रूममेट एक लड़की थी, हम दो लड़कियां एक कमरे में रहते थे, मेरी कमरे में जो लड़की रहती थी वो तहज्जुद पढ़ती थी, वो नमाजें पढ़ती थी, वो तिलावत करती थी, वो दुआ रो के दुआ मांगती थी, बहुत पर्दा करती थी। मैं उसकी बिहेवियर, उसके अखलाक, उसके मीठे बोल, उसका पुरसुकून चेहरा, पुरनूर चेहरा, उसको देखकर मैं बहुत मुतासिर हूं। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा। वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहती थी, शी वॉज सो फ्रेंडली, सो स्वीट विद मी। कभी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा कि तुम क्या कर रही हो, गाने सुनती हो, म्यूजिक सुनती हो, गिटार बजाती थी मैं, उसने मुझसे कभी नहीं कहा। वो मुझे चाय पिलाती थी, कॉफी पिलाती थी, बहुत प्यारी लड़की। कई महीने हो गए तो फिर मैंने अब उससे खुलकर बात करने शुरू की। मैंने कहा कि क्या बात है, मैं शराब पीती हूं तभी मेरे दिल में सुकून नहीं आता, हर वक्त मैं टेंशन में रहती हूँ, जी चाहता है मैं खुदकुशी करके मार लूं, मैं लड़कों के साथ रात गुजारती हूँ, मैं क्लब जाती हूँ, सब करती हूँ, तुम देखती हो मुझे, तुम मुझे टोकती भी नहीं हो, मना भी नहीं करती हो, तुम्हारे कमरे में मैं शराब पीती हूँ और तुम कुछ और जिंदगी गुजारती हो और तुम खुश रहती हो, हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की ठंडी शबनम बरसती रहती। What is the secret behind your happiness and satisfaction? क्या राज है? तो मैंने उससे, उस मलेशियन लड़की ने कहा कि मैंने उसको बताना शुरू किया कि बेटा, मेरी बहन, देखो दो चीजें मिलकर हम बनते हैं, एक है बॉडी, एक है रूह। अगर रूह को उसकी डाइट मिले तो रूह खुश होती है और रूह के खुश होने से इंसान खुश होता है। बदन पर क्रीम पाउडर लगा हो और दिल में सुकून ना हो तो कोई खुशी खुशी नहीं। मैं अल्लाह का शुक्र है ना मेकअप करती हूँ ना कुछ करती हूँ, लेकिन पाक साफ रहती हूँ, हया और हिजाब मेरा जेवर है, मैं कभी किसी लड़के से मिक्सअप नहीं होती, किसी से हाथ नहीं मिलाती, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ तुम्हारे साथ और 3 साल से मैं टॉप कर रही हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा रैंक पहला आता है, मैं इसलिए खुश हूं। तो वो लड़की कहने लगी कि क्या तुम मुझे ये सिखा सकती हो? हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे उसने कुछ किताबें दी, कुछ लिटरेचर दिया, कुछ गुफ्तगू उससे करती रही, कुछ अच्छी इस्लामिक तकरीरें उसको सुनाती रही, यहां तक कि उस मलेशियन लड़की ने ये कहा कि मैं ही वो लड़की हूं, ये मेरा हाल था और मैं इस दौर से गुजरी हूं, उस दौर से गुजर कर मेरे रब ने मुझे हिदायत दी और मैंने रमजान के पहले जुमे की रात में मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। यह है, उस लड़की ने मेरे सामने उस सवाल का जवाब दिया, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैंने देखा कि लड़कियां रो रही थी, 50 लड़कियों, उनकी आंखों में आंसू थे। इवन वो लड़की जिसने एतराज किया था पर्दे पर, बाद में वो स्टेज पर आई, उस लड़की से चिमट गई, किस कर रही है उसको, निपटा रही है, हक कर रही है, थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स, मे गॉड ब्लेस यू। वो क्रिश्चियन लड़की थी, मैं अमेरिका से वापस आया, अमेरिका से वापस आने के 1 हफ्ते के बाद मुझे उस सेंटर के चेयरमैन का फोन आया कि मौलाना खुशखबरी ये है कि जिस लड़की ने आपकी तकरीर के बाद पर्दे पर एतराज किया था और मलेशियन लड़की ने उसका जवाब दिया था, इस वक्त वो हमारे सामने बैठी हुई है और अभी जुमे की नमाज के बाद उसने भी इस्लाम कबूल किया है।